नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ही हैं, ठीक है, जहां साथ में रूटस्टॉक के 111 के प्लांट हैं और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हमने देखिए कि जो हमारी बाउंड्री है इसकी खेत के चारों ओर, जैसे ये पेड़ दिख रहे हैं, देखिए इस तरह से है पेड़। तो ये प्लम के पेड़ हैं, तो इनमें मैं समर प्रूनिंग भी कर रहा हूँ आज, तो कहीं ना कहीं और साथ में इनकी तौलिया भी कर रहा हूँ हल्की हल्की, और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ इनमें, देखिए। ठीक है, तो ये है एक एक साल के ही पेड़ सारे, तो कई हमने अच्छी ग्रोथ ले ली है। देखिए जैसे ये पेड़ है कितनी अच्छी ग्रोथ ले ली है एक साल में ही, और कहीं ना कहीं मैंने इसमें प्रूनिंग भी कर दी है, जो समर प्रूनिंग। तो आज की वीडियो में आपको साथ में प्रूनिंग के बारे में भी बताऊंगा और साथ में जो मैं आज काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने ऑर्चर्ड में। ठीक है, ये देखिए, तो इनमें भी हमने थोड़ी देर पहले पानी डाल दिया था, बहुत कम ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं अब जाकर ग्रोथ थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इधर से हम आगे चलते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए एक और पेड़, तो इसमें भी पानी अभी डाला हुआ है, ये देखिए, तो ये अभी जा रहा है नीचे, और एक साल का ही पौधा है, तो इसने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है, और कहीं ना कहीं मैंने जो इसमें समर प्रूनिंग भी कर ली है। देखिए, तो दरअसल वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर मैंने सोचा क्यों ना, जो मेरे हैं सब्सक्राइबर तो कहीं ना कहीं वो प्लम फार्मिंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं समर प्रूनिंग आनी चाहिए अच्छी तरह से, तो उसके लिए। ठीक है, ये देखिए, ये है प्लांट्स कुछ, इधर भी देखिए कुछ इस तरह से हैं अपने प्लांट्स। ये मैंने जो अपनी बाउंड्री होती है एक तरह से उधर लगाए हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ये है कुछ इसी तरह से। इस पूरे खेत में ये 30 पेड़ लगे हैं ब्लैक अंबर के अपने खेत के चारों ओर, तो ये भी कुछ इस तरह से भर चुका है। देखिए, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कुछ इधर ही, देखिए कुछ इस तरह से। ये भी पेड़ एक साल का ही है, ठीक है, तो इसकी भी मैं तौली कर रहा हूँ। तौली करने के पश्चात मैंने जैसे इस तरह गड्ढा बनाया ताकि मैं इसमें पेड़ को पानी अच्छी तरह से दे सकूँ, पानी रुक के भी थोड़ा, तो भी पानी जा रहा है इसमें, तो भी हम आगे चलते हैं जो हमने प्रिपेयर करना है आगे वाला पेड़। उधर देखिए, ये एक मिनट, जितने में ये पेड़ भर जाएगा पानी से उतने में मैं क्या करूँगा कि इस पेड़ को उतने में क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक साल का ही पेड़ है और कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें आ चुकी है। क्या होता है कि कई पेड़ों में ग्रोथ आ जाती है और कई पेड़ों में ग्रोथ नहीं आती है, जैसे ये पेड़ है देखिए इधर, तो इसमें ग्रोथ नहीं आई है। इसमें ग्रोथ पता क्यों नहीं आई है, क्योंकि ज़मीन में नमी नहीं है, इसमें ज़मीन में नमी नहीं है, बहुत सूखा है नीचे, तब जाके ग्रोथ नहीं आई है। इधर नमी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस पेड़ में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। तो उधर भी देखिए, इस पेड़ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है क्योंकि नमी नीचे ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी नमी को मेंटेन करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी मैं क्या करूँगा, जो इसके नीचे जो कुछ भी है थोड़ा घास घूस, उसको हाथ से इस तरह से पट के दूर कर दूंगा अपने टोली के पास से, कुछ इस तरह से, देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अब अपना तौलिया जो है पेड़ का वो पूरी तरह से साफ हो चुका है, देखिए कुछ इस तरह से। अब पेड़ का तौलिया साफ है, अब मैं क्या करूँगा अपने इसकी हेल्प से चारों तरफ से कुछ इस तरह से करूँगा, और देखिए ये गड्ढा अच्छी तरह से बन चुका है। मैंने पलम वैसे बीच में नहीं लगाए हैं अपने हर ऑर्चर्ड में, मैंने पलम की प्लांटेशन अपने जो खेत के चारों ओर होते हैं उधर की है। वैसे मेरे पास ब्लैक अंबर के 100 पेड़ हो चुके हैं, कई 3-3 साल के भी हैं, 4-4 साल के भी हैं, और कई 1-1 साल के भी हैं, जैसे ये पेड़ 1-1 साल के हैं। इधर से उधर देखिए लाइन में मैंने लगाए हैं इस पूरे ऑर्चर्ड में, जो ये है अपना ऑर्चर्ड, इसमें 30 पेड़ लगे हैं इसके। तो अभी मैं और भी प्लांटेशन करूंगा जहाँ जहाँ मेरे थोड़े लगे नहीं है। ठीक है, अभी ये देखिए पूरी तरह से गड्ढा बना दिया है मैंने। अब गड्ढा जैसे बन गया है तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये गड्ढा भर चुका है, तो इधर से मैं इसको चक के अपनी पाइप को अब इधर डाल देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। अब ये भी कहीं ना कहीं गड्ढा भर जाएगा और पेड़ को भी कहीं ना कहीं अच्छा पानी मिल जाएगा। अब किसान एवं बागवान भाइयों, मैं अपना प्रूनिंग टूल अपनी जेब से निकालता हूँ, तो ये है पासी रोल कट,
तो अब कहीं ना कहीं समर प्रूनिंग भी हमने करनी है पेड़ में। तो सबसे पहले आप पेड़ को चारों तरफ से देखिए कि आपका पेड़ क्या कहता है, ठीक है। तो जैसे इसे पहले वाली वीडियो भी अगर आपने देखी होगी मेरी, तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी फैदरिंग होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। ऐसे तो हर कहीं से आपके टहने निकल जाएंगे, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला है तो ये नहीं चाहिए, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है। फिर आते हैं हम इस ब्रांच पर, देखिए कहीं ना कहीं ये ब्रांच जो है, इसमें जो छोटी छोटी ब्रांचेस है इनको हम स्टब जैसा रखेंगे ताकि ठीक हो। ये देखिए हेडवर्क मार दी मैंने, ठीक है। अब इस साइड जो ब्रांच है ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस साइड मेरा खेत है, कहीं ना कहीं इस साइड सेब के पेड़ भी है। तो फिर आते हम इसके बाद सीधे इधर जहाँ से ब्रांच है, देखिए, ठीक है। तो इसको हम इधर से हेडवर्क दे देते हैं कुछ इस तरह से। अब इधर से बाहर की ओर टहनी जाएगी, तो ऊपर ऊपर चलते हैं हम। इधर देखिए दो टहनियाँ एक साथ है, ये दो, तो निचली को रिमूव कर देते हैं और ऊपर वाली को हेडवर्क दे देते हैं बाहर की तरफ, ताकि टहनी बाहर जाए। और ऊपर ऊपर देखिए पेड़ में क्या बन रहा है, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि शाखा चाहिए तहाँ वहाँ उधर हेडवर्क दीजिए ज़रूर, ठीक है। इनमें हम सब में लिटिल लिटिल ये दे देते हैं ताकि टहनी अच्छी तरह से बने। और टॉप वाला है कुछ इस तरह से कर देते हैं, देखिए। अब जो पेड़ है इसकी जो समर प्रूनिंग मैंने कर दी है, देखिए कुछ इस तरह से बन चुका है पूरा पेड़, ठीक है। तो समर प्रूनिंग इस तरह से तभी होगी एक साल के पेड़ में, जब आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो के वीडियोज जो भी है प्रूनिंग से लेकर समर में ही जो प्रूनिंग की गई है उसके लिंक्स हैं, आप चाहें तो उधर देख कर उनको सीख सकते हैं, ताकि ऐसी फैदरिंग आपके एक साल में ही हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, किसान एवं बागवान भाइयों, अपने जो टूल्स हैं उनको लेकर। तो अभी आगे आइए, तो ये हमने इधर इसके लिए रखा है, नाशपाती के लिए, फेयर के लिए। इधर देखिए एक और पेड़ है, इसमें भी काफ़ी बेकार जैसी ग्रोथ आई है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके नीचे जो घास घूस है कुछ इस तरह से, देखिए इसको मैं पहले साइड में निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए पहले हमें नीचे सबसे पहले साफ करना है इसके। जब नीचे साफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपना दूसरा टूल चक लेते हैं हम, ये फिर जाके इसको कुछ हम इस तरह से करते हैं, देखिए। तो किसान एवं बागवान भाइयों, हमने अपना पाइप इसमें डाल दिया है गड्ढा भरने के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, हम एक नेक्स्ट और पेड़ पर चलते हैं इधर से ही उधर के लिए। जैसे अपने सेब के पेड़ भी इधर ही है, देखिए। तो ये देखिए एक और पेड़, तो इस पे भी हमने सेम वैसा ही काम करना है। कहीं ना कहीं जो घास है उसको पहले निकालना है इसके तने के पास से, कुछ इसी तरह से। जब हम घास को निकाल देते हैं तो हम अपने इस औजार से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इस तरह से एक गड्ढा जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पानी इसमें रुके। देखिए गड्ढा तैयार है, ठीक है। ये देखिए गड्ढा रेडी है। गड्ढा तैयार है, अब मैं क्या करूँगा, सीधा पानी इसमें डाल दूंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें समर प्रूनिंग भी करने के लिए हो चुकी है, देखिए कि पेड़ कितना बड़ा है। वैसे देखिए इस पेड़ की काफ़ी ग्रोथ आई हुई है। तो मैं पहले पानी ले आता हूँ और साथ में इसकी समर प्रूनिंग भी करते हैं हम। शान बम बागवान भाइयों, तो हम बात कर रहे थे इसकी प्रूनिंग के। तो सबसे पहले आप पेड़ का ये देख लीजिए कि उसकी कैनोपी कैसे बन रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ इस तरह से पेड़ है, तो नीचे से देखते हम बिल्कुल कोने से। पहले हम क्या करते हैं कि इसमें पानी लगा देते हैं, पहले तो गड्ढा हमने कर लिया, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले टहनी, देखिए ये टहनियाँ हैं, चलो ग्रो करेगी या ना ग्रो करेगी कोई चक्कर नहीं, ये बीमा
बीमा का काम ही करेगा। तो देखिए टहनी ये है सबसे पहली, तो इसमें हम लिटिल बिट ट्रैक दे देते हैं ताकि ग्रो करती रहे। तो इधर से देखिए, फिर इसके बाद दूसरी टहनी ये है, तो इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है, तो कहीं ना कहीं ग्रो करती रहे तो हमने ऐड वर्क दे दी। तो उसके बाद देखिए टहनी इधर से गई है, तो ये भी ग्रो करती रहे, तो इधर से हमने इसको काट दिया कुछ इस तरह से। अब जो इसके साथ कंपटीशन कर रही थी, तो हमने कुछ टाइम पहले ही देखिए इधर से कट दे दिया है। तो इधर से क्या होगा कि एक अपनी साइड ब्रांच निकलेगी थोड़े टाइम बाद, और लीडर को ग्रोथ अच्छी मिल रही है। देखिए कि कितना लंबा हो चुका है, हम चाहेंगे कि लीडर और अच्छा ग्रो करता रहे, तो हमने हार्ड जैसा कट दे दिया। अब अच्छी ग्रोथ जाएगी कहीं ना कहीं, और नीचे की भी ब्रांचिंग कुछ अच्छी तरह से खुलेगी। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से अब अपना पेड़ हो चुका है। तो किसान एवं बागवान भैया, अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं, हम अपने टूल्स को उठा लेते हैं इधर से और चलते हैं हम दूसरी जगह के लिए। ये देखिए एक और पेड़ है इधर, तो वो पेड़ उधर है बीच में, और ये इधर है, और इधर देखिए हमारे पास जो एप्रिकॉट है अभी किस तरह से है, बम्पर क्रॉप आई हुई है इसमें भी। ठीक है, अब इसको रहने दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पेड़ को देखेंगे पहले, सबसे पहले पेड़ के नीचे जो शूट्स लगे होते हैं इनको पहले निकालना होता है, तो कहीं ना कहीं देन उसके बाद हम इसका घास इधर उधर कर रहे हैं। एक तो देखिए कुछ इस तरह से पहले चारों तरफ का घास निकाल लीजिए पट के कुछ इस तरह से। अब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ हो गया इसका तना, तो पुर जो ये है इनको आप कैंची से भी रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ताकि 15 इंच तक कुछ भी ना रहे हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा तना बिल्कुल खाली और साफ रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा टूल लेंगे इसके साथ कुछ इस तरह से, देखिए गड्ढा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर नमी भी ठीक ही है वैसे, तो ये हमने देखिए गड्ढा कर लिया है, अच्छा गड्ढा हुआ ये भी। ठीक है, देखिए गड्ढा, तो हम इसमें भी समर प्रूनिंग कहीं ना कहीं प्रेफर करेंगे। पहले हम पेड़ को देखेंगे, जैसे ये है पेड़ देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए पेड़ में काफ़ी अच्छी कैनोपी हुई है, जो हमने इससे पहले जब पेड़ प्लांटेशन करते हैं पेड़ की उसी टाइम हम कुछ प्रूनिंग करते हैं, तो वो हमने बताई है आपको हर टाइम। तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं पल्लम प्रूनिंग के रिगार्डिंग, मेरी स्पेशल पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो इधर से भी हेडबैक दे दिया है, कुछ इस तरह से टहनी ग्रोथ करती रहेगी, और ऊपर देखिए कुछ इधर से हम इसको देंगे कुछ इस तरह से, ताकि इधर से एक और टहनी निकले और अपना लीडर स्ट्रांग होता रहे ऊपर। तो इस तरह से कुछ हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है। देखिए एक ब्रांच हुई है, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच ये बन जाएगी आने वाले समय में, और चौथी ब्रांच ये, और पांचवी ऊपर लीडर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पेड़। अभी हम फिर से अपना टूल इधर से चक लेते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। कौन भाई, इधर भी देखिए पेड़, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो हम क्या देखेंगे, जो ये है ये बीमा वाली टहनियाँ है, ये भी बीमा वाली टहनियाँ है, ये भी जो सारी है बीमा वाली टहनियाँ है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने पेन की है, पेड़ की जो एक शेप है वो किस तरह से बनानी है। तो कहीं ना कहीं ये टहनी है एक शेप के लिए काफ़ी अच्छी है, तो ये टहनी भी है इसकी जो ऊपर कंपटीटर दूसरी ब्रांच है, इसको इधर से ही कट देते थे नीचे से ही, और इधर से निकली एक और ब्रांच देखिए, इसको हम करते हैं कुछ इस तरह से कट, और फिर निचली साइड जो ब्रांच है इसको हमने इस तरह से काट दिया, और लीडर जो जा रहा है इस तरह से कर दिया। ओके, और इस तरफ से हमने ये रख दी। अब देखिए कहीं ना कहीं कितनी अच्छी इसकी भी मैनेजमेंट एक तरह से होगी। तो हम अब अपने लास्ट जैसे हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो इस पेड़ ने तो हमें फसल भी दे दी है। देखिए देखिए कितने ब्लैक एम्बर के ये लगे हैं, 3, 2, 5 फल लगे हैं, सैंपल भी दे दिया है ब्लैक एम्बर का। तो इसमें भी हमने कहीं ना कहीं प्रूनिंग करनी है। ये देखिए कि कितनी अच्छी कैनोपी बन चुकी है, ये देखिए ऊपर तक। तो हम क्या करेंगे, ये दे दिए एक
निचली टहनी है सबसे, फिर ये है दूसरी निचली, फिर ये है तीसरी निचली। इसको हम थोड़ा सा स्टब रखेंगे और इधर से हम ये दे देंगे, और निचली साइड जो ये है टहनी इसको ये दे दिया, और लीडर के साथ जो कंपटीटर है इसका, इसको हम इधर से काट देते हैं ताकि नीचे से एक ब्रांच जाए अच्छे एंगल के साथ। तो ऊपर लीडर की बात रही तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसका भी कर दिया है प्रूनिंग। ये देखिए ब्लैक अम्बर ऑन सैम्पलिंग, एक ईयर का ही प्लांट है। ठीक है, ये बोल रही हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके एक साल के पौधे में इसी तरह से ग्रोथ आए कहीं ना कहीं, ठीक है, पलम के, तो कहीं ना कहीं आप क्या करें, हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें, और उधर जाके आपको स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी पलम प्रूनिंग के रिगार्डिंग। तो हमने उसमें एक साल से लेकर नर्सरी लगाने से लेकर पौधे में, तो उस समय से कहीं ना कहीं हर एक वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको सीख कर कहीं ना कहीं अच्छी तरह से अपने पेड़ की भी एक अच्छी कैनोपी बना सकते हैं, एक पेड़ की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये अपना पेड़ भर चुका है, अभी मैं दूसरे पेड़ में स्वाइप कर रखूँगा। तो ठीक है किसान बागवान भाइयों, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।